सबसे बड़ी बहुआयामी प्रतियोगिता मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2022 फिनाले का आयोजन नागपुर स्थित ली मेरिटियन होटल में किया गया। इसके पूर्व दो दिन तक अलग अलग राउंड्स होटल अशोका में आयोजित किए गए। इस शो की सेलिब्रिटी अतिथि बॉलीवुड की अभिनेत्री महिमा चौधरी व मेजबान अभिनेता अमन वर्मा थे। गोंदिया शहर के मेधावी छात्र रही शिखा सुरेश पिपलेवार को मिस बेस्ट पर्सनैलिटी रनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर एक महिला को प्रोत्साहित करना है जो हमेशा बड़ा सपना देखती है। इसी श्रृंखला में मध्य भारत में एक मंच प्रदान किया गया है जहां वे अपनी छिपी हुई बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। संपूर्ण भारत से 18 प्रतियोगी थे, 2 महीने पहले ऑडिशन के बाद क्वालिफाई हुए। यह कार्यक्रम नागपुर में 3 दिनों तक चला। इसमें टैलेंट राउंड, फिटनेस राउंड, फोटोशूट, पर्सनल इंटरव्यू व महिला सशक्तिकरण के प्रश्न उत्तर और रैम वॉक जैसी अनेक गतिविधियां शामिल थी। महिमा चौधरी के हस्ते शिखा पिपलेवार को मिस बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेजेंट की संस्थापिका मोनिका गणवीर की इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष करने की इच्छा है। इस पेजेंट के माध्यम से अनेक विवाहित और अविवाहिता महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। इस शो को प्रसिद्ध शो डायरेक्टर खिजार हुसैन ने डायरेक्ट किया। इस संबंध में शिखा पिपलेवार ने बताया कि उन्हें वहां जाने के बाद पता चला कि वह कितनी खुशकिस्मत है। इस तरह की बहुआयामी प्रतियोगिता गोंदिया शहर में भी आयोजित करने का मानस है। हर महिला या लड़की को चहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। शैक्षणिक कार्य में सबल होने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। इस प्रतियोगिता में शिखा के सफल होने से उनके माता पिता भी गौरव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को हमेशा सपोर्ट किया है। सुरेश पिपलेवार, सिंधु पिपलेवार, BCN न्यूज चैनल की डायरेक्टर मिस जोया शेख, मेकअप आर्टिस्ट धीरा कपूर आदि उपस्थित थे। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।